अभी जो सरकार बनी है चेंज हुई है, क्या ये सही है? ये सरकार चेंज हुआ है सर, कहीं ना कहीं सोच समझ के नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, और एक तरह के जंगल राज की बात है तो वो खत्म करने के लिए कोशिश में। नई सरकार बनी है, क्या कहेंगे, क्या पहले वाली सरकार सही थी या अभी? देखिए, राजनीति में तो उलट पुलट होते रहता है, और मैं जो मानता हूँ आए दिन हमेशा है जो कि दलितों के ऊपर अत्याचार होते रहता था, ये जंगल राज का खात्मा हुआ है, और हम चाहते हैं कि नए मुख्यमंत्री जो बने माननीय नीतीश कुमार जी, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि सही से वो अपने सरकार को है जो कि चलाएं और आम जनता को सहयोग करें। बार बार इधर उधर करते हैं उसके लिए करते। बार बार तो उनका तो नाम है जो लालू जी रख दिए थे पलटू राम, उनका पलटते न देरी लगता है आ नहीं संभलते देरी लगता है। जो नीतीश कुमार जी आदरणीय फिर से पार्टी बदल लिए हैं, ये बिहार की जनता के लिए ठीक तो नहीं है, एज ए क्रेडिबिलिटी का सवाल तो उठता ही है। जब हम बाहर प्रदेशों में जाते हैं तो एक अलग लोगों से ये चीज़ देखने को मिलता है, अरे भाई यही स्टेट से आप आए हैं कि जहाँ की आप सरकारें बार बार चेंज होते रहती, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती है, आपस में सबको ये रहना है। लेकिन ये थोड़ा सा दुखदायी तो लगता है कि हमारा सरकार जो हम लोग जिनको बहुमत दिया था, जिनको सरकार बनाने के लिए दिया था, वे सरकारें बार बार टूट रही हैं, बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे विकास डेवलपमेंट में तो एक रोधक बनेगी ही बनेगी। तो ये क्या सब लगता, पहले वाली सरकार जो थी वो सही थी कि अभी जो बनी है वो जो पहले की जो सरकार थी, ओबियसली तो दो महीने में जो हमारे 2 लाख शिक्षकों का जो भर्ती हुआ ये रिकॉर्ड रहा, और ये अभी तक पूरे इंडिया में तो ऐसा रिक्रूटमेंट कहीं देखा नहीं गया है, न भूतो न भविष्यति। 2 महीने में 2 लाख से ज़्यादा के रिक्रूटमेंट होके उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, एंड दे ऑल ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सब स्कूलों में। तो ये सब चीज़ें अब पार्टियाँ बदल देंगी, सरकारें नया बनेंगी, अवरोधक तो होगा ही होगा। हमारा जो बिहार, जो हम बिहारी फर्स्ट का जो हम लोग नारा देते हैं कि हम लोग कहीं में बिहारी फर्स्ट, तो उसके लिए थोड़ा सा बैकफुट पे तो हम लोग ज़रूर कोई आ जाएंगे। अभी के सरकार से आप खुश नहीं है? सरकारें तो कोई भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो सरकारें बार बार बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, इससे हम लोग दुखी हैं। ये जो नई सरकार बनी है, हम लोग जो है इसके विरोध में है, और हम चाहते हैं ये जो है ना राजनीति पर से भरोसा उठने वाली बात है। कैसे लोग जो है ना एक विश्वघात किया गया है, अच्छी खासी सरकार को चलते हुए भी इसको रोका गया है, और ये अच्छी बात नहीं है। पिछली सरकार के बारे में तो लोग जंगल राज कर रहे हैं। वो सब रूमर है, अफवाह है, ये बदनाम करने किसी। पिछली सरकार में क्या क्या काम हुआ, क्या अच्छा हुआ? जो इस सरकार में हो रहा है, जो पिछली सरकार में हो रहा था, इस सरकार में का कुछ नहीं होने जा रही है थोड़े। उसका नेतृत्व तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे, पिछले बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। तुम युवा हो, पहले सरकार थी, पहले भी सरकार नीतीश कुमार की थी, फिर से आज नई सरकार बनी है, क्या कहना चाहोगे तुम? पहले वाला ही तो सही था, हम लोग के बहुत दिक्कत कर रहा है, कोई सरकार सही नहीं है। मानिए तो छात्र के लिए, स्टूडेंट के लिए कोई सरकार ही सही नहीं है। जॉब नहीं हम लोग को मिलता है, सब बेरोजगार है, और क्या। अभी तो रोजगार दिए थे। नहीं, रोजगार कहाँ मिला उसमें, कितना रेलवे में भी 50,000 सीट बोल के कहाँ 5,000 सीट मिला है अभी, और अभी LP का आया है तो उसमें। तो आपके हिसाब से कोई सरकार सही नहीं? नहीं, कोई सही नहीं है। बिहार में नई सरकार बनी है, क्या पहले वाली सरकार सही थी कि अभी की? अभी की सही है। कैसे? पहले के समय में फ्रीडम नहीं था लड़कियों लोग को, आपके समय में मुख्यमंत्री तो वही है जी। में नई सरकार बनी है, क्या कहेंगे, पहले वाली सरकार सही थी कि अभी की सरकार सही है? दोनों सही है अपने अपने जगह पे। कैसे? अभी क्या बोल रहा है इसके बारे में, अभी कुछ नहीं बोल रहा। मुख्यमंत्री तो वही है। हाँ, मुख्यमंत्री वही है। तो इसके पहले जो सरकार चल रही थी वो सही नहीं थी? नहीं, सही थी। सही थी तब ना नौकरी मिल गया। सही थी, ज्वाइन करने जाना। अभी भी सरकार सही ही काम करेंगे, अभी बनेंगे तो। सरकार बनी है, क्या पहले वाली सरकार सही थी या फिर अभी सरकार? अब तो अब आएगी सरकार तब तो, इससे पहली सरकार तो अभी तो ठीक ही कर रही थी। जो वैकेंसी वगैरह निकला,
इस साल इतना इतना वैकेंसी निकला है, तो इस सरकार को ही पहली ही वाली सरकार को जो मुख्यमंत्री तो वही मुख्यमंत्री हैं, अब इनके साथ जो अब आएंगे अब वो कैसा क्या करते हैं। अब बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी अब नौकरी में तो ज़्यादा ये करता नहीं है, काहे कि करती तो इनके साथ सरकार बहुत पहले से थी, तो पहले भी वैकेंसी ये सब आ सकता था। ये तो आज हुआ नहीं कि मैंने सीट वैकेंट था, अब इतना वैल्यू में सरकार ये दे दी, अब तो आई है। अब देखना पड़ेगा कि अब अगला जो किया है उसको ये कितना दूर तक ले कर चलते हैं। मैं सार्थक शब्दों में ये कहूँ, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मेरा संविधान सारी विचारधारा ये कहती है, ये हमारी बिहार की धरती है जहाँ पर पहली पाठ पढ़ाया, ज्ञान का सागर है हमारा बिहार, जहाँ पर जीव और जीने देने की नियति बरकरार है। ऐसे में असामाजिक विचारधारा वाले लोग अगर सत्तासीन अगर होते हैं तो ज़रूर लगता है कि हमारे बिहार के मुख्य धारा से अलग हो रहे हैं। और अलग हो जाने का कारण सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा कि परिवर्तन ही समय का नियम है और समय किसी को नहीं छोड़ता। और सार्थक शब्दों में सभी बिहार वासियों को, युवा साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन से कोई ऐसा असामाजिक तत्व का काम ना करें जिससे आपकी मान सम्मान चली जाए और आपकी परिवार की चली जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के साथ सही थे या फिर बीजेपी के साथ सही थे? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि राजद के साथ थे या भाजपा के साथ हैं, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि नीतीश जी ने अच्छा व्यक्तित्व के कारण कहीं भी लोकप्रिय की प्रतिष्ठा हासिल की है।